चेतेश्वर पुजारा ने दिखाया बल्ले से पराक्रम। टीम इंडिया के ओपनर्स के फेल होने के बाद पुजारा ने संभाला मोर्चा। पुजारा ने अपने टेस्ट करियर का 35वां अर्धशतक जड़ा। पुजारा ने रोहित के साथ 17 रन, विराट के साथ 22 रन और श्रेयस के साथ 35 रन, आर अश्विन के साथ 22 रन की साझेदारी निभाई। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नाथन लायन ने पूर्व महान गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज पहले मुरलीधरन थे, लेकिन अब नाथन लायन उनसे आगे निकल गए हैं। नाथन लायन ने भारत की दूसरी पारी में शुभमन गिल को बोल्ड कर ये कीर्तिमान हासिल किया है। लायन ने दूसरी पारी में भारत के 8 विकेट लिए। भारतीय बल्लेबाजी की फिर खुली इंदौर टेस्ट के दौरान पोल। ओपनिंग में आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने किया निराश। दूसरी पारी में रोहित 12 रन बनाकर लौटे पवेलियन, तो वहीं गिल ने 15 गेंदों पर बनाए 5 रन। दोनों बल्लेबाजों के बीच 15 रन की हुई साझेदारी। इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन का पहला सेशन मेजबानों के नाम रहा। लंच तक ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी उमेश यादव और रविचंद्रन अश्विन के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 197 रन पर सिमट गई, उन्हें 88 रनों की बढ़त मिली। उमेश ने 3 तो वहीं आर अश्विन ने 3 विकेट हासिल किए। आर अश्विन ने इंदौर टेस्ट के दौरान पहली पारी में 3 विकेट लिए। इसके साथ ही अश्विन सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। अश्विन ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। अश्विन के अब 269 इंटरनेशनल मैच में 689 विकेट हो गए हैं। कपिल देव ने 1978 से 1994 तक के अपने करियर में 687 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन का ये 91वां टेस्ट मैच है। उन्होंने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 446 विकेट लिए हैं। धाकर तेज गेंदबाज उमेश यादव ने इंदौर में चल रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मुकाबले में एक खास शतक पूरा कर लिया है। वो घरेलू सरजमी पर 100 टेस्ट विकेट पूरे करने वाले 13वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यादव ने 31 टेस्ट मैचों में ये बुलंदी हासिल की है। 35 साल के उमेश यादव घरेलू जमीन पर 100 टेस्ट विकेट चटकाने वाले 5वें भारतीय तेज गेंदबाज हैं। नागपुर और दिल्ली के बाद अब इंदौर के पिच को आईसीसी की तरफ से एवरेज रेटिंग दी जा सकती है। इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन पिच में काफी हरकत देखने को मिली थी। पिच में टर्न के चलते पहले ही दिन कुल 14 विकेट गिर गए थे। अगर इंदौर के पिच को एवरेज रेटिंग मिलती है तो इसे बीसीसीआई की किरकिरी हो सकती है। पूर्व भारतीय क्रिकेट दिलीप वेंगसरकर ने पिच को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पिचें टेस्ट क्रिकेट का मजाक बनाती हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के टेस्ट फ्यूचर को लेकर पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर वार्नर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के बाद ही संन्यास ले लिया होता तो फिर ज्यादा अच्छा होता। पोंटिंग के मुताबिक ये वार्नर का 101वां टेस्ट मुकाबला था और उन्हें उसी वक्त संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए था। वार्नर का प्रदर्शन भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 2 मैचों में अच्छा नहीं रहा। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सर्जरी के लिए पूरी तरह तैयार है। उनकी लेटेस्ट कंडीशन के मुताबिक मुंबई इंडियंस का ये स्टार गेंदबाज न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा। सर्जरी के बाद भारत के तेज गेंदबाज को 20-24 हफ्ते के रिहाब का सामना करना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप नजदीक है, ऐसे में बीसीसीआई और एनसीए ने उनकी पीठ को ठीक करने के लिए सर्जरी का सुझाव दिया है। बुमराह का ऑपरेशन वही डॉक्टर करेंगे जो पूर्व में जोफ्रा आर्चर और शेन वॉन के साथ काम कर चुके हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स हाल ही में खत्म हुए WPL के पहले सीजन को लेकर काफी चर्चा में रही थी। उन्हें लीग के पहले सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदते हुए 2.20 करोड़ रुपए की बड़ी बोली लगाई थी। जेमिमा ने एक ताजा इंटरव्यू में करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बड़ा बयान दिया है। जेमिमा ने कहा है कि ये यात्रा उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी।